वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। जय हिंद, वंदे मातरम। दो साल हो गए हैं इंडियन आर्मी की तैयारी करते हुए और एग्जाम दिए हुए, मेडिकल क्वालिफाई हूँ और आज भर्तियाँ कैंसिल होने पे सपना जो है वो टूट गया है। काफ़ी सारे लोगों की ये चीज़ सुनने को देखने को मिल रही है और इसी सवाल का आज मैं आपको आंसर देने वाला हूं, जैसा कि मैंने उस पर्सन के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा और मैंने कहा है कि मैं आपके हर एक सवाल का यहां पे जवाब दूंगा। इस सवाल को आंसर देने के लिए मुझे एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल जो है वो देनी पड़ेगी, शायद आप उससे समझ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसे माँ बाप कहते हैं कि बेटा स्कूल जाना है, उसे डरा कर धमका कर पढ़ाते हैं। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे समझ होती है, तब वो बच्चा कहता है मुझे नहीं करनी है पढ़ाई, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं लगता। उसके माँ बाप उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हें करना है, बट वो नहीं समझता है। और एट द एंड जब लाइफ गुजर जाती है, एज हो जाती है, तब उसे समझ आती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जब उससे कोई पूछता है कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की यार, क्या तुम्हारा मन नहीं लगता था, तो वो बस एक ही आंसर देता है कि भाई जो गलती मैंने की ना वो तुम मत करना। मेरे माँ बाप मुझे स्कूल छोड़ के आते थे लेकिन मैं भाग जाता था, मेरा मन नहीं लगता था, बट आज मुझे पता चल रहा है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, उसी तरह जो मैं चीज़ आपको बोलने जा रहा हूँ वो आज से 5-6 साल बाद शायद आपको वो समझ आए। आज मेरी इस वीडियो से शायद वो चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस एक लक्ष्य पर डिपेंडेड हो जाना गलत है। अपने साथ एक अदर ऑप्शन भी लेके जरूर चलना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 56 भर्तियां देखी थी और उसके बाद उसने तकरीबन उस काम को छोड़कर, भर्तियों को छोड़कर अपना काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उसी तरह मैं आप सबको भी एक चीज बोलना चाहता हूं कि अपने पास एक अदर ऑप्शन जो है वो लेकर जरूर चलिए। जिंदगी में आपके लिए क्या लिखा है, सबसे अच्छा क्या लिखा है, ये आप भी नहीं जानते। हो सकता है देश की सेवा कहीं और, किसी और रास्ते से भगवान ने आपके हाथों के द्वारा वो लिखी हुई है। वो रास्ता जिस दिन आपकी नजरों के सामने आएगा, आप बोलोगे मेरे लिए इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, मैं यही करना चाहता हूं। मेरा आपको सिर्फ एक ही कहना है कि रखिए अपना लक्ष्य, आप लोग रखिए आर्मी, लेकिन उसके साथ अपना अदर ऑप्शन भी लेके चलिए कि ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। आप मुझे कोई ऐसा बिजनेसमैन बताइए जो एक बिजनेस कर रहा हो और उसमें ही अपनी इनकम कर रहा हो। आप अंबानी लीजिए, आप अदानी लीजिए, कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन लीजिए, वो अपने मल्टीपल बिजनेस रन कर रहा है, आपके इर्द गिर्द लोग काम कर रहे होंगे, उनके भी अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। एक पे फोकस करना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी अपने पास एक अल्टरनेटिव सोच जो है, एक बैकअप प्लान जो है वो रखना जरूरी है। आर्मी में सेवा का मौका नहीं मिल रहा तो SSC GD में जाइए। SSC GD में नहीं मिल रहा, ऐसे वैकेंसियां निकलती हैं BSF की अलग तरीके से, CRPF की अलग से तरीके से वैकेंसी निकलती है, वहां जाइए। इतनी सारी वैकेंसियां मैं अपडेट कर रहा हूं, वहां जाइए। देश की सेवा सिर्फ इंडियन आर्मी में जाके नहीं होती। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें सेवा करनी है, इतने साल हम क्या करेंगे, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, आप खुद सोचिए, 4 साल अगर आपको देश की सेवा का मौका मिल रहा है तो आप 4 साल लीजिए ना पहले। जो आप 4 साल मौका दूसरों को भी दीजिए, आपको 4 साल का मौका मिल रहा है, क्या है फिर आपको सैलरी से क्या लेना देना है, आपको फ्यूचर से क्या लेना देना है। जब आपको देश की सेवा करनी है तो फिर आप 4 साल में भी खुश होकर करिए ना कि हाँ मुझे मौका तो मिल रहा है, सबको मौका तो मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है ना। डबल भर्तियां जो है वो आएंगी, बाकी
आप विरोध करना चाहते हैं टूर ऑफ ड्यूटी का, मैं आपके साथ हूं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप करिए, सरकार को इसका आंसर देना होगा, और अगर सरकार गलत है तो सरकार को ये फैसला बदलना होगा। इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो होनी है, अमेंडमेंट्स जो होनी है वो करनी पड़ेंगी। या तो हमें समझा दें कि हाँ ये गलत है तो हम लोग मान जाएंगे, सिंपल सी बात है। आई होप जो मैं आपको मैसेज देना चाहता था वो आपको मिल गया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, असम राइफल BSF, और भी बहुत सारी वैकेंसियां चल रही हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। जो आवेदन करना चाहता है कर लीजिए, या गूगल में जाइए samajayaka.in सर्च कीजिए तो आपको उसके ऊपर ये सारे लिंक मिल जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। समझ आया क्या?